गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, हम लोग चैप्टर टू की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर टू में आज की आपकी हेडिंग है डाइट्री फाइबर्स। आज की आपकी हेडिंग है डाइट्री फाइबर्स। देखिए क्या होते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। दिया हुआ है मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, एक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये आपने टेबल 2.2 में नोटिस किया होगा, ठीक है। जब टेबल 2.2 को आपने फिल किया है तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे फूड होते हैं, ऐसे भोजन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा यानी एक से अधिक जो होते हैं पोषक तत्व पाए जाते हैं। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो मटेरियल हमें दिया होता है उसमें पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट को छोड़ के, मतलब एक तो होता है ये बेसिक, बाकी एक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो थोड़ा कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए, राइस इज मोर कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि राइस जो होता है, चावल होता है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अदर न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग यानी अदर जो दूसरे आपके पोषक तत्व होते हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। दस वी से दैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। जबकि उसमें अदर आपके हैं, दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व पाया जाता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दिया हुआ बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अतिरिक्त अवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स एंड वॉटर। हमारी बॉडी को डाइट्री फाइबर्स और वॉटर की भी जरूरत होती है, ठीक है। डाइट्री फाइबर्स ऑल ऑल्सो नोन एज रफिस। जो डाइट्री फाइबर्स होते हैं इन्हें हम रफिस भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पाचक के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। जो जैसे कि आरे से दाल जो होते हैं, मतलब पाचक के लिए आवश्यक होते हैं। रफिस इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन अवर। जो रफिस होते हैं वो मेनली हमें प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जो आपके पेड़ पौधों के जो उनसे प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। जो आप जैसे फ्रूट्स हो गए, अदर वेजिटेबल्स हो गए, उनमें पाए जाते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्स पोटैटोस फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफिस। बोले जितने भी आपके अनाज होते हैं, ठीक है, ग्रेन्स होल ग्रेन जितने भी आपके सारे अनाज होते हैं उन सब में रफिस पाया जाता है। आपके जो पल्स यानी कि दाल होती है, जो भी दाल होती है, कोई भी दाल हो, ठीक है, उसमें पाया जाता है। पोटैटोस आलू, फ्रेश फ्रूट यानी कि ताजे फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों में सबसे ज्यादा रफिस पाया जाता है, ठीक है। रफिस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को कोई भी पोषक तत्व प्रोवाइड नहीं कराता है, बट इट इज इंसेंटिव कंपोनेंट्स ऑफ अवर बॉडी एंड एडेड टू इज बल्क। कह रहा है कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, कंपोनेंट का काम करता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। ये वही मैंने बताया कि इसका जो मेन वर्क होता है ये होता है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टन सिस्टम होता है उसको ये बहुत अच्छा फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत यूज करता है, ठीक है, बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद दिया है वॉटर हेल्प्स अवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो वॉटर होता है उसका यूज क्या होता है हमारी बॉडी का, कि वो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करता है, ठीक है, अवशोषित करने में मदद करता है। इट्स ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। कह रहे हैं कि इसका एक यूज और होता है कि जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको ये बॉडी से बाहर निकालता है, जैसे यूरिन यानी कि जैसे कि आप टॉयलेट करते हैं वो चीज, और दूसरा बोला स्वीट यानी कि आपका पसीना होता है, ठीक है।
नॉर्मली साधारणतया वी गेट मोस्ट ऑफ द वॉटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। जो वॉटर होता है हमारी बॉडी में किस तरह से पहुंचता है कि हम लोग मोस्टली क्या होता है कि उसको लिक्विड यानी कि पीकर हमारी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है, पीते हैं पानी को लिक्विड यानी कि लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, तरल पदार्थ होता है जिसको हम पीते हैं। सच एज वॉटर मिल्क एंड टी, जैसे कि आपका वॉटर हो गया जो तरल पदार्थ होता है उनसे हमें वॉटर मिलता है, जैसे कि आपका दूध हो गया, टी चाय पीते हैं एंड वॉटर पानी पीते हैं, इन तरल पदार्थों से ही हमें पानी मिलता है, ठीक है। चाय में भी पानी आपका होता है और दूध में भी पानी होता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है इन एडिशन वी एड वॉटर टू मोस्ट कुक फूड, और जैसे कि हम कोई भोजन बनाते हैं, खाना पकाते हैं, भोजन पकाते हैं उसमें भी हम वॉटर को ऐड करते हैं खाने को पकाने के लिए, ठीक है। उससे भी जो वो भोजन यानी वो जो फूड हम लेते हैं जब खाते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी को वॉटर मिलता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वॉटर टू अवर बॉडी। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं, कुछ देख रहे हैं कि मतलब कि अदर क्या सोर्सेस होते हैं जिससे हमें हमारी बॉडी को वॉटर मिल सकता है। दिया हुआ टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, टोमेटो यानी कि टमाटर लेना है और एक फ्रूट जैसे कि लेमन, लेमन लेना है यानी कि नींबू। कट इट इंटू स्मॉल पीसेस, इनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, कह रहा है कि आपको अपने हाथ जब सूखे हो पूरी तरह से तो उसमें क्या करना है, रखना है, ठीक है, पकड़ना है या केयरफुली ऑब्जर्व, हमें ध्यान से देखना है। वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट पील्ड ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, कह रहा है कि जब हम सब्जियां काटते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स काटते हैं या फ्रूट्स काटते हैं, कुछ करते हैं तो क्या होता है, उनको रगड़ते हैं या दबाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे हाथ से, मतलब घर पे हमने देखा है सब्जियां काटते हुए तो क्या होता है कि डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन स अमाउंट ऑफ वॉटर, जो फ्रेश वेजिटेबल या फूड होंगे तो क्या उनमें किसी कुछ भी कंटेनर की कुछ अमाउंट ऑफ वॉटर है, उसमें कुछ मात्रा पानी की पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स, हमने यहाँ पे क्या देखा कि बहुत से फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं देमसेल्फ कंटेन वॉटर, जिनमें पानी होता है, ठीक है। अगर बेटा कोई भी हम वेजिटेबल काटते हैं तो आपने देखा होगा हाथ में वॉटर की तरह कुछ लग जाता है, ठीक है, आपका जो होता है कि वेट पदार्थ कुछ लगता है वो जो होता है वो आपका होता है पानी, ठीक है। और मोस्टली फ्रेश फ्रूट में भी होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है, लेमन में भी होता है, टोमेटो में भी होता है, ठीक है। टू सम एक्सटेंस अवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वॉटर, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वॉटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स आइटम, बोला कि हमारी बॉडी को जो पानी होता है इन सब चीजों से मिलता है, ठीक है। और जैसे कि जो भी फूड आपका जो खाना होता है, भोजन होता है, जो भी आप पकाते हो उसमें भी वाटर ऐड करते हो और उसमें ऑलरेडी वाटर होता है, ठीक है, आपकी जो वेजिटेबल्स होती है उन सब में वाटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये आप बैलेंस डाइट जो होता है कि बेटा एक ऐसी डाइट होती है जिसमें आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं सारे उसमें पाए जाते हैं। ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए उपयोगी सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, हिंदी में हम संतुलित आहार बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। दिया हुआ है द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट, हम अपने डाइट में डेली भोजन करते हैं, डेली खाना खाते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, किसके लिए खाते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए खाते हैं, अपनी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए खाते हैं भोजन, ठीक है, कि हमारी जो हेल्थ है वो बनी रहे, स्वस्थ रहे, हम अच्छे रहें। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स, हमारी डाइट्स में वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। नॉट टू मच, उसके बाद है इन राइट क्वांटिटीज, यानी राइट क्वांटिटीज का मीन्स है कि सही मात्रा में, अगर आपको ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज आप खाओगे तो वो आपका ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है, जितना हमें चाहिए अगर हम उतना ही खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूज अच्छा होगा, गुड हेल्थ हमारी होगी, मेंटेन करेगा, बट अगर हम उसको हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो क्या होगा, वो ओवर हो जाएगा। जैसे लोग मोटापा बढ़ जाता है तो कैसे बढ़ता है मोटापा, क्योंकि वो कुछ चीज जो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो उससे उनका मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए कोई भी कंपोनेंट्स हो हमें राइट क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। Not too much of one and not too little of the other.
ना हमें ज्यादा खाना चाहिए और ना ही हमें कम खाना चाहिए, ठीक है। एक राइट क्वांटिटी में ही ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वॉटर सच एज डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे खाने में रफेज एंड वॉटर भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इस प्रकार के खाने को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। Do you think that people of all ages need the same types of? उसके बाद बोला जा रहा है कि do you think that people of all ages need the same types of diet? यानी कि उसके बाद बोला जा रहा है कि do you think that people of all age need the same types of diet? क्या सभी प्रकार के जितने भी मतलब उम्र के लोग होते हैं क्या सबको एक प्रकार की डाइट की रिक्वायरमेंट होती है? Do you also think that what we need a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? कह रहा है कि जो हम physical work करते हैं उसमें क्या balanced diet depend होता है, balanced diet पे depend होता है। तो ये बात बिल्कुल सही, जो भी हम work करते हैं वो हमारी balanced diet पे depend होता है। अगर हमें हमारे शरीर के लिए जो यूजफुल आपके पोषक तत्व होते हैं अगर नहीं मिलेंगे तो हम कोई भी वर्क सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे हम क्या होता है कि वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में आपका इतना ही है। आपको होमवर्क है कि आपको डिफाइन करना है बैलेंस डाइट और डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार किसे बोलते हैं ये आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और डाइटरी फाइबर्स ये क्या होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है।